आपने पबजी वाले प्यार की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको लूडो वाला लव दिखाएंगे और इस ऑनलाइन लव स्टोरी में विलन भी है। कोटा की रहने वाली प्रियंका और मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले अमन ने मोहब्बत में बगावत की, प्रेमी की पिटाई भी हुई, क्लाइमेक्स क्या रहा इस रिपोर्ट में देखिए। ऑनलाइन इश्क बड़ा रिस्क, प्यार पर पहरा, रिश्ता था गहरा। इश्क में आशिक का इम्तिहान, मोहब्बत के लिए बेटी की बगावत। लूडो वाला लव, मांग भरे सजना, मियां बीवी राजी, हार गए काजी। लूडो के इन चार खानों में इश्क की गोटियां फिट हो रही थी, हर चाल पर दिल की बाजी लग रही थी। ये इश्क ऑनलाइन परवान चढ़ रहा था। ऑनलाइन लूडो खेलते खेलते कब एमपी के छतरपुर का अमन अग्रवाल दिल हार बैठा, उसे भी पता नहीं चला। ये हाल राजस्थान के कोटा के रहने वाली प्रियंका का भी था। लूडो वाला लव इन दोनों को करीब ले आया। दोनों लूडो में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, वो अब हम सफर बनना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान। हमारा परिचय एक गेम द्वारा हुआ था, लूडो गेम था, उससे हमारी परिचय हुई थी, मुलाकात हुई थी, फिर नंबर दिया, फिर नंबर से व्हाट्सएप चला, तो उसके बाद 2 साल बात की, तो उसके बाद ये शादी की। हम खुश हैं। इस ऑनलाइन लव स्टोरी में विलन की भी एंट्री हो गई। मोहब्बत के दुश्मन बने लड़की के घर वाले। प्रियंका और अमन शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रियंका के घर वाले राजी नहीं हुए। प्रियंका ने प्रेमी अमन को मिलने कोटा बुलाया। होने वाले दामाद का स्वागत फूलों से नहीं बल्कि नफरत से हुआ। अमन की ससुराल में जमकर पिटाई हुई। और इसने एक बार इसको 3-4 माह पहले वहाँ राजस्थान कोटा बुलाया था, ये वहाँ गया और वहाँ पे ये प्रियंका के घर वालों ने इसके साथ बहुत मारपीट करी थी और मरणासन हालत में ये अपने प्राण बचाकर यहाँ छतरपुर भागकर आया था और वहाँ राजस्थान में पुलिस ने इसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी थी। लूडो के गेम की तरह ही क्लाइमेक्स का सबको इंतजार था। इश्क की बाजी दोनों हार जाएंगे या होगी मोहब्बत जिंदाबाद। इस लव स्टोरी में एक और पेच था। प्रियंका नाबालिग थी, आशिक ने इम्तिहान दिया, पिटाई के बाद भी प्यार कम नहीं हुआ। इंतजार था प्रियंका का बालिग हो और फिर प्यार के लिए कोटा से प्रियंका छतरपुर आई और अदालत में इश्क जीत गया। और हम 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं गेम के माध्यम से। हाँ, खुश हैं अब आप लोग शादी से? हाँ, बहुत खुश हैं। तो घर वाली तैयार थी कि नहीं थे? नहीं थे। बीच में बराबर वार्तालाप होता रहा और ये प्रियंका अपनी मर्जी से, जब इसकी उम्र 18 साल 3 महीने हो गई, तो यहाँ छतरपुर आके इन लोगों ने हमें बताया कि हम लोग शादी करना चाहते हैं और बालिग हैं। तो मैंने हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार इन दोनों के बीच में विवाह संपन्न कराया। तो ऐसे हुई लूडो वाले लव की हैप्पी एंडिंग। दिलवाला दुल्हनिया ले ही गया। छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे भी जारी है।